नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। तेज गर्मी से तुरंत एसी में आने पर आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है और धूप से आकर तुरंत नहाने से आपको जुखाम हो सकता है, इसलिए यहाँ बर्फ के पानी को लेकर जो भी फायदे बताए जा रहे हैं उन्हें आप नहाने से पहले अपने शरीर का तापमान सामान्य हो जाने दें। इसके लिए धूप में आने के बाद पहले पंखे की हवा में बैठें और इसके बाद एसी का इस्तेमाल करें। इससे शरीर का तापमान धीरे धीरे डाउन होता है। अचानक शरीर का तापमान बढ़ना या घटना कई मामलों में जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन गर्मियों में कुछ लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है और उन्हें नहाने के लिए ठंडा पानी चाहिए होता है। कुछ लोग ठंडे पानी के लिए पानी में बर्फ डालकर नहाते हैं। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में कि पानी में बर्फ डालकर नहाना चाहिए या नहीं और क्या है इसके फायदे। ऊर्जा बढ़ाती है। गर्मी के मौसम में शारीरिक ऊर्जा की कमी ज्यादातर लोग महसूस करते हैं। जब आप बर्फ के पानी से नहाते हैं तो शरीर में तुरंत ताजगी आती है और आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। मानसिक तनाव से छुट्टी। ऑफिस में बेहद टेंशन चल रही हो या काम का बोझ आपको दुखी किए हुए हो, हर तरह के मानसिक तनाव की छुट्टी करने का आसान तरीका है, आप बाल्टी के पानी में 2 ट्रे बर्फ डालें और धीरे धीरे ठंडा हो रहे इस पानी से नहाकर आनंद लें। कोल्ड शावर आपको स्ट्रेस फ्री बनाने का काम करता है। भूख बढ़ाता है। गर्मी के मौसम में खाने का मन नहीं करता, बल्कि इच्छा होती है कि बस जब तब कुछ ठंडा और मीठा मिल जाए। हालांकि पोषण और मजबूती के लिए भोजन भी शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। जब आप आइस कोल्ड शावर लेते हैं तो आपकी भूख नेचुरली बढ़ जाती है। बढ़ाता है ग्लो। कोल्ड शावर स्किन पोर्स को टाइट रखने और त्वचा में कसाव लाने का काम करता है। गर्मी के कारण पसीने के जरिए काफी मात्रा में शरीर से पानी और सॉल्ट निकल जाता है। ऐसे में ठंडे पानी से नहाना त्वचा को जल्दी रिलैक्स होने और रिंकल फ्री रहने में मदद करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।